ਨੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਚਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਚਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਜੋਗੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇਤੀ ਕੰਗਣੀ ਵਗੇਰਾ और ये एक रिक्वेस्टेड मेकअप लुक है। मैंने कुछ टाइम पहले ये मेकअप लुक किया था कोई प्रोडक्ट के रिव्यू करने के दौरान, तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये वाला मेकअप लुक करो एंड चलो आज मैं ये लुक करती हूँ। ये बहुत इजी है अचीव करना, बिगनर्स तक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। मैंने अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लिया हुआ है एंड लिप बाम लगा लिए। ये हिमालय हर्बल्स का नरिशिंग फेस मॉइस्चराइजिंग लोशन और ये वादी हर्बल्स की लिप बाम है, दोनों का मैंने रिव्यू डाला हुआ है। अब मैं अपने फेस के ऊपर एज अ प्राइमर पतंजलि एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग रोज, अगर आप कहीं जैसे कम उम्र की लड़कियां, अगर आप रोज अगर तैयार होते हो, हल्का फुल्का तैयार होना है, तो यार आप केमिकल वाला प्राइमर मत यूज किया करो, ये यूज किया करो। इससे आपकी स्किन के ऊपर कोई भी गलत नहीं इफेक्ट होगा। आप इस प्राइमर को 2 मिनट के लिए अपने स्किन के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करके पेनिट्रेट होने दो, उसके बाद फिर मैं अपना पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाऊंगी। मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाऊंगी, आपने सिर्फ थोड़ी सी लेनी है, राइट। और डॉट डॉट डॉट, हमेशा प्लीज डॉट 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 करके कुछ भी लगाया करो, चाहे वो बीबी क्रीम हो, चाहे सीसी क्रीम हो, या चाहे वो फाउंडेशन हो। इससे आपको अंदाजा रहेगा कि आप कितना लगा रहे हो एक साथ। जब आप लगा ले तो फिर यू नो वो ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी एंड अपनी आईज के ऊपर भी थोड़ा सा यू नो ब्लेंड कर दूंगी। मेक श्योर वाइल ब्लेंडिंग की आप अपने ईयर्स के ऊपर भी ब्लेंड कर रहे हो एंड आप अपने नेक के ऊपर भी ब्लेंड कर रहे हो, नहीं तो आपका यू नो ये पोर्शन बिल्कुल डिफरेंट लगेगा वाइट वाइट सा, एंड ये पोर्शन आपका यू नो डिफरेंट लगेगा, आपके कान में बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। मैं अपना वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट मेबलिन एंड मेरा शेड है पर्ल और ये मेरा पूना स्टोर का ब्रश है। मैं इसके साथ अपनी पाउडर सेटिंग करूंगी पूरे फेस पे अच्छी तरह से। सेटिंग करने के बाद ये जो ब्लैक कलर है मैट कलर, ये मेरी HR की पैलेट है 02 शेड नंबर एंड ये मैं एंगल्ड ब्रश होंगे, मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। आपके पास जो भी ब्राउ किट है आप उसके साथ अपने आईब्रोज को फिल कर लो। आईब्रोज फिल कर लिए एंड आप देख सकते हो आईब्रोज फिल करते कितना डिफरेंस आ जाता है। और अब मैं आई मेकअप की तरफ जाऊंगी। आई मेकअप बहुत इजी है करना, ये बिगनर्स भी कर सकते हैं, जस्ट आपको एक दो प्रोडक्ट्स की जरूरत है। एंड इन कलर ब्रांड की ये मेरे पास आई पेंसिल है, इन कलर फ्लैशी लाइनर, मेरा शेड नंबर है 10 रॉकी माउंटेन। इन कलर इज अ ब्रांड जिसके बहुत सारे यू नो लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत फेमस हुई हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स इनकी। तो मैंने इसको लोकल स्टोर से खरीदा था 50 या 60 रुपीज़ में, मेरे को ये आई पेंसिल मिलती थी। इट्स अ ग्रीन कलर एंड ये आई गेस ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी, लोकल स्टोर में आप पता कर सकते हो। अब मैंने क्या करना है, इसको अपनी सारी आई लिड के ऊपर प्लेस करना है। ये काफ़ी यू नो क्रीमी सी है, इसको मैं सारी आई लिड के ऊपर प्लेस करूँगी। ये थोड़ी टूट भी रही है क्योंकि ये बहुत क्रीमी पेंसिल है। रफली प्लेस करूंगी अपनी दोनों लिड्स के ऊपर। अब मैंने अपनी दोनों आईज के ऊपर इसको प्लेस कर दिया सिर्फ इस पेंसिल को एंड अब देख, मैंने बहुत पीछे पीछे ऊपर ऊपर तक नहीं गई, ये क्रीज लाइन तक जिसको कहते हैं, बस थोड़े नीचे नीचे तक ही मैंने किया। एंड ये मेरा स्मजर ब्रश है, ये मेरी HR की किट के साथ है। आपके पास जो भी स्मजर ब्रश है आप उसके साथ आपने नीचे की तरफ ब्लेंड करना है इसको वेरी नाइसली, सिर्फ आपने नीचे नीचे की तरफ इस पेंसिल को ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। आप अपनी दोनों आईज को अपने ऊपर की तरफ नहीं जाना, नीचे नीचे ब्लेंड करना है। नो डाउट अगर नीचे आपका गिर रहा है वो हम बाद में क्लीन अप कर लेंगे। देखो मैंने इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ब्लेंड कर लिया, भी इसमें कोई भी हार्श लाइन नहीं नजर आ रही। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी, मैंने अपनी दोनों आईज के ऊपर जो ग्रीन कलर था मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब आप ये कलर देखो, ये डार्क ग्रीन सा कलर है, ये शिमर पैलेट है, ये HR की शिमर पैलेट है 01, इसमें से मैंने ये कलर लूंगी फ्लैट ब्रश के साथ। आप देख सकते हो ब्रश कितना फ्लैट है, जस्ट मैं इसको कलर को प्लेस अप करूंगी पूरी अपनी आई लिड के ऊपर। आपने देख लिया मैंने कलर ले लिया, आप देखो ये सेम कलर है,
इससे क्या आएगा, वो सिर्फ शीन आ जाएगी आपके ऊपर। आप देखो इसमें और इसमें कितना फर्क आ गया, बस आपने थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड इतना नहीं करना कि ये गायब हो जाए, बस इतना करना है कि वो थोड़ी सी ना लाइंस लाइंस ना नजर आए। मैं ये शेड लूंगी, ये मेरे पास HR की पैलेट 02, जिसमें से मैंने ये ब्लैक कलर अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए लिया था। मैं अब अपनी क्रीज बिल्डअप करूंगी। आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी तक अपनी क्रीज को बिल्डअप नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ग्रीन कलर यू नो सारा मिक्सअप हो जाना था, तो इट्स बेटर मैं एंड में इसको बिल्डअप करूँ। कोई भी हार्श लाइन नहीं रहेगी एंड आप देख सकते हो कितना इसमें और इसमें फर्क आ गया, राइट? अब क्या करना है आपने, अब आपने एक्स्ट्रा लेना नहीं है, लेकिन जो भी इसके ऊपर कलर लगा होगा ग्लिटर, आपने जस्ट उसके साथ ही ना थोड़ा सा दोनों तरफ क्रीज बिल्डअप कर दी। अब यही वाला कलर, ग्रीन कलर, बहुत थोड़ा सा लेके आपने जस्ट इस ग्लिटर को थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना है, क्योंकि क्रीज बिल्डअप जब मैंने की थी वो थोड़ा सा यू नो कलर फेड अप सा हो गया था। अब मैं काजल लगाऊंगी, लेकिन काजल लगाने से पहले मैं अपने लैशेस को यू नो कर्ल कर लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि फिर वो अपर, जब मैं ऊपर काजल लगाती हूँ फिर वो सारा यू नो ये इसके साथ उतर जाता है, इसलिए मैं पहले इनको कर्ल कर लेती हूँ। मैं स्टेक वॉकी का बैडेस काजल यूज कर रही हूँ, वो उसका वो उतर चुका है सारा प्रिंट सा। इसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन दोनों के ऊपर लगाऊंगी। अब मैंने काजल को ऊपर नीचे लगा लिया, अब देख सकते हो अपर वाटर लाइन है, लोअर वाटर लाइन। अब मैं ये ब्लैक कलर लूंगी और ये ब्राउन कलर लूंगी, हल्का हल्का दोनों अपने क्लीन ब्रश के साथ यू नो मैं अपने लोअर वाटर लाइन को स्मज करूंगी। स्मज करने से एक तो आपका जो क्रीम काजल होता है वो एक तो आपका लॉक हो जाता है, फैलता नहीं है आपका, प्लस आपका क्या होता है आपकी आईज थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं एंड बहुत सुंदर सा स्मोक्ड आउट इफेक्ट आता है। तो मैं अपनी दोनों आईज को स्मज करूंगी। दोनों आईज को स्मज कर लिया एंड काजल लगाने से पहले मैंने अपने आईज को कर्ल कर लिया था। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, ये मेबलिन का हाइबर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा इजी वॉश। प्लीज मेक श्योर आप जब भी मस्कारा लगाओ कर्लर जरूर यूज करो, उससे बहुत अच्छी लुक आती है, प्लस मस्कारा लगाना भी बहुत इजी हो जाता है। मैंने मस्कारा लगा लिया है, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ना आईज के नीचे थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा लगने लगे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ग्रीन का भी फॉल आउट हुआ एंड स्मोक्ड आउट करने की वजह से भी। तो मैं थोड़ा सा जस्ट अपने आईज के नीचे थोड़ा सा मैं अपना हाईलाइट करूंगी एंड कंसील करूंगी। आपने ब्लेंड कर देना है, आप देखो थोड़ा सा ना क्लीन भी हो गया एंड ब्राइटन भी हो गया। सॉरी मैंने ये बताया नहीं, ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर, माई शेड इज 20 सैंड सेबल। थोड़ी सी कंसीलिंग नोज के ऊपर यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं मैं कर रही बट थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ सिर्फ। ब्लेंड कर लो, कंसीलर मैंने ब्लेंड कर लिया एंड मेक श्योर आप उसके बाद अपनी पाउडर सेटिंग कर रहे हो, नहीं तो वो क्रीज कर जाएगा जहां जहां आपने कंसीलर लगाया है। आई लव दिस कंसीलर, आप देख सकते हैं इसने इंस्टेंटली कितना ब्राइटन अप कर दिया फेस। ब्लश लगाऊंगी, ब्लश लगाने के लिए मैं यूज करी सिवाना की अल्ट्रा ब्लश पैलेट एंड मेरा शेड है 02, ये बेबी पिंक कलर लूंगी, पूना स्टोर का ब्रश बहुत लाइट हैंडेडली बहुत लाइट सा ब्लश लगाऊंगी। ब्लश लगा लिया, बहुत लाइट सा सटल सा लगाया। अब मैं उसी पैलेट से ये लूंगी हाइलाइटर कलर और अपने पूरे फेस को हाइलाइट करूंगी। आपको पता है यूजुअल एरियाज कौन से होते हैं हाइलाइटिंग के, सबसे पहले अपने चीक बोन्स, बहुत लाइट सी हाइलाइटिंग करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर। जब से मैं ये मेकअप थोड़ा सा यू नो प्रॉपर वे में करने लगी हूँ, आई लव डूइंग हाइलाइटिंग, हाइलाइटिंग के बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने मेकअप ही नहीं कम्प्लीट किया। और इस पैलेट का हाइलाइटर बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल सी लुक आती है। नोज के ऊपर
लिप्स के ऊपर एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड। मैं फिंगर्स के साथ ही लगा लेती हूँ क्योंकि साथ में ही लगाते हैं, साथ में ब्लेंड हो जाता है अच्छी तरह से। आईब्रोज के नीचे, क्योंकि मैंने उस समय हाइलाइटिंग नहीं की थी, मैं आपको पहले एक आईब्रो के नीचे हाइलाइटिंग करके दिखाती हूँ। आप देखो ये वाले आईब्रो और ये वाले आईब्रो में कितना फर्क आ जाता है। ये बिल्कुल इंस्टेंटली बिल्कुल ही ना थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है। लगाऊंगी, जब आप हाइलाइटर लगा लेते हो तो मेक श्योर कि आप हाइलाइटिंग करने के बाद जो आपका क्रीज का कलर है, जैसे जो मेरा हल्का सी ना ऑरेंजी ब्राउनी सा जो शेड है, आप उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ही ना ऐसे ब्लेंड अप कर लो। दैट्स इट। अब मैं इनर कॉर्नर ऑफ द आईज, इससे आपकी आईज बड़ी बड़ी एंड ओपन अप लगती है। आप देखो इधर और इधर में फर्क। मेरा सारा मेकअप हो गया, अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। ये मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन की स्प्लैश मैट लिपस्टिक 310 प्लम डिजायर। ये आपको नायका पे, अमेजन पे एंड purple.com पे भी बहुत इजीली मिल जाएगी, लोकल स्टोर्स में भी बहुत इजीली मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है। मैंने लिपस्टिक लगा ली और इससे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। एंड ये जिनकी रिक्वेस्ट थी, आई होप उनको ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगे एंड इजी लगे। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। टिल देन बाय। किथे कटनी आ दोहा ने वकेशना मार सर्चा में लप